आप वो भी बना रहे हो मेरी? जी फ्रूट की बना रहा हूँ, आपकी भी बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजर खान में और सिस्टर को लेके आया था, उसका पेपर था। अभी सिस्टर के ये पेपर देने और डेढ़ घंटा है मेरे पास, तो डेढ़ घंटे में मैं देखता हूँ कि कोई मुस्तैक नज़र आता है तो उसकी हेल्प कर देता हूँ। अभी सबसे पहले जो है पैसे निकलवा लेते हैं, और आज हमने जो है आज हमने 400 से हेल्प करनी है, पैसे निकलवा लिए, अब चलते हैं किसी की हेल्प करते हैं। अच्छा भाई, बैंक के बाहर ही जो है मुझे एक बाबा नज़र आ गए हैं जिनकी हेल्प करनी है, सो अभी सोच रहा हूँ उनको पैसे दूँ या फिर जाके कोई चीज़ लेके आ जाऊँ। सो क्या करूँ, या तो फ्रूट दे दूँ या तो सब्जियाँ या मिठाई, साथ में मिठाई की दुकान भी है, सो देखता हूँ जो भी है मैं लेके आप लोग को दिखाता हूँ। 100 रुपये 100 1 किलो ये दे दो। ये 150 है वो 200। वो 200 है, ये 150 है। और ककड़ी 130। अच्छा 1 किलो कर दो भाई। 150 की हो गया, ठीक है। 150 की 1.25 किलो। अच्छा आधा किलो डाल दो, साफ है। ये भी 150 ही कर दो। चलो 150, 300 की ये हो जाएगा। 120 दूध के बदले 100 रुपये, ठीक है। सही, आप वो भी बना रहे हो मेरी? जी फ्रूट की बना रहा हूँ, आपकी भी बनाए। ये मैं फ्रूट लेके गरीबों में देता हूँ, आपकी भी बनाए। ये मैं नेट पे डालता हूँ, देखना भाई मरवा ना देना। आपका कोई इश्यू ही नहीं है, इससे ताल्लुक ही नहीं है। ये 400 की होगी। आज हमने 400 के फ्रूट ले लिए, और आप लोग सोचते हो कि मैं फ्रूट ही क्यों देता हूँ, तो इसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ आराम से बैठ के। अभी फ़िलहाल अभी फ्रूट ले लिए हैं, और उन बाबा जी को जो हमने देखे हैं उन्हीं को जाके देते हैं। चलो बकाया दे दें। अच्छा भाई, जिन अंकल से मैंने फ्रूट लिए हैं उन्होंने देखा कि भाई ये वाकई गरीबों में देने हैं, सो अपनी तरफ से जो है वो केले भी दे रहे हैं कि भाई ये भी दे दो राय अल्लाह। सो आप लोग भी अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है। जजाक अल्लाह अंकल, बड़ी मेहरबानी। आप लोग भी डोनेट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ कॉन्टेक्ट करो और इंशाल्लाह आप लोग डोनेट करो, मुस्तैक को ही पहुँचेंगे। यार जिन बाबा के लिए इतना फ्रूट लिया है वो यहीं पे बैठे हुए थे, तभी नहीं है। सो अब मैं देखता हूँ आगे पीछे, अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और मुस्तैक को दे देंगे, ठीक है। यार काफ़ी ढूंढा है लेकिन वो बाबा नहीं मिले और ना ही कोई और नज़र आया है। सो अभी रास्ते में आते हुए पीछे दो मज़दूर आ रहे हैं तो उनको दे देते हैं। यार मज़दूर आजकल पता है फ्रूट इतना महंगा हुआ है कि एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं गांव, और मेरे साथ नौफिल भी मौजूद है, और अभी हम लोग वैसे ही वॉक पे निकले हुए थे, शाम का टाइम था तो मैंने बोला आप लोग को दिखा दूं। ये देखो गंदम लगी हुई है यार। सो अभी कोई लोकेशन देखते हैं अच्छी सी, फिर वहां बैठ के फिर मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे मैंने फ्रूट दिया तो मैं ज़्यादातर फ्रूट क्यों देता हूँ वो मैं आप लोग को एक जगह बैठ के बताता हूँ। तो भाई अब चेक करो लोकेशन, यार सामने सूरज की लाइट, पीछे खेत, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने बोला बेस्ट लोकेशन है बात करने के लिए, आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे बात करने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है लोकेशन तो थोड़ा अजीब लग रहा है। वेट, ओके। तो भाई अब बात करते हैं कि मैं ज़्यादातर फ्रूट्स क्यों देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि यार आजकल महंगाई इतनी हुई है कि एक गरीब बंदे के लिए ना दो वक्त का खाना खाना है ना
वो मिल जाए ना तो वही उसके लिए गनीमत है, वो बोलता है कि भाई मेरे लिए बहुत है। सेकंड थिंग, जिन लोग को भाई फ्रूट्स की कदर नहीं है, लाइक कदर नहीं मतलब जैसे उन लोग को इजीली मिल जाता है, अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग, घर पे उनके आ जाता है फ्रूट्स, तो वो लोग तो शायद ना समझे इस चीज़ को। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप उनसे पूछें। और कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जौन सा दिल करता है, जिस चीज़ का खाने का दिल करता है, जो फ्रूट खाने का दिल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी के अभी लेके खा सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक वक्त हम लोगों ने ऐसा भी देखा है, हमारे घर में पूरे मंथ में आई थिंक सिर्फ दो बार फ्रूट चाट बना होगा, लोगों के घर में बनता था फ्रूट चाट। कोई मतलब हमें कुछ इतना वो नहीं था कि भाई फ्रूट चाट नहीं खाया तो रोज़ा नहीं होगा या हमें कुछ वो नहीं होगा, नहीं, हम खाने पीने के इतने शौकीन हैं भी नहीं, सो हमारे लिए ओके था सब। बट कहीं ना कहीं तो दिल चाहते ही है ना बंदे का कि अफ्तारी हो तो आपका दस्तखान भरा हो, आपको हर चीज़ मिले, फ्रूट चाट हो, चने चाट हो, सब कुछ हो, कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो एक वक्त ऐसा था जहाँ हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, आस पड़ोस में भी बनते थे, अफ्तारी आती है देखते हैं हाँ भाई एक प्याला फ्रूट चाट है, वो फिर पूरी फैमिली बांट के खा ले आते थे, चलो चम्मच चम्मच खा लिया। सो इसलिए मैं बोलता हूँ, मतलब एक दौर था ना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, एक आ गया था हम पे भी बुरा वक्त। सो मैं इसलिए चाहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम उन लोग को ऐसी चीज़ें जाके खिलाई जाएँ, चीज़ें उनको खिलाएँ। यार हम लोग भी तो खाते हैं, हम लोग का भी दिल करता है एक से एक अच्छी नई चीज़ खाने का, सो क्यों ना वही गरीब खाएं हैं। सो बस इसीलिए जो है मैं ज़्यादातर फ्रूट पे इसीलिए फोकस करता हूँ, भाई फ्रूट आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, एक गरीब बंदा। सो कोशिश होती है कि फ्रूट जाके दे दिया जाए, सब्ज़ी उस दिन दी थी उस दिन बड़ी खुशी हुई, तो इसी तरह आगे भी मदद करनी है। आगे रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से, रोज़ों का महीना बहुत बहुत अच्छा महीना होता है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, और जैसे ही करीब आता जा रहा है एक अंदर से जो है खुशी सी हो रही है कि भाई जल्दी ही आए, फिर सहर का मज़ा, अफ्तारी का मज़ा, एक अलग मज़ा है। सो मैं यही चाह रहा हूँ कि यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो रमज़ान में डोनेट करो, ताकि मैं कम से कम ना एटलीस्ट हर दिन 10 बंदों को अफ्तारी करवा सकूँ, ज़्यादा नहीं 10 बंदों को अफ्तारी करवा दूँ ना, इनफ हो जाएगा। सो आप लोग अगर डोनेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि 10 से ज़्यादा को भी अफ्तार करवा सकूँगा, रमज़ान में लोगों की मदद भी करवा सकूँगा, ज़्यादा डोनेशन आई गरीबों को कपड़े भी दे दूँगा। सो यही मेन मकसद यही है, बाकी अपने से जितना हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे, और रमज़ान में भी बरकरार रहना। ज़्यादा नहीं, अगर डोनेट नहीं कर सकते नो इशू, कम से कम वीडियोस के साथ बने रहो, और वीडियो को लाइक किया करो, हर वीडियो को कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो, एंड शेयर लाजमी किया करो, ताकि अगर आप डोनेट नहीं भी कर सकते, आपके शेयर करने पे कोई तीसरा बंदा डोनेट कर देता है ना, तो उसका सवाब जो है उसका अजर वो आपको भी मिलेगा। सो ये काम कर दिया करें, शेयर भी किया करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और बस दुआओं में याद रखो, ऐसी मेरी वीडियोज़ देखते रहो। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।